मैं अभी बुलाना चाहूंगा इंदु को, क्योंकि इससे देखकर मेरे को एक चीज बहुत अच्छा लगता है कि बहुत लोग बोलते हैं मैट्रिक पास है, 12th तक पढ़ाई किया, 12th में किसी तरह से 42% लेके पास किया, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिया और पूछता है स्मार्ट वेल में करियर होगा, और ये लड़की टॉप लेवल का जॉब मिला हुआ था, ये भी क्वालिफिकेशन है, उसका बात भी सब छोड़ के स्मार्ट वेल कर रहा है क्योंकि पैसा नहीं, पैसा का साथ साथ सिक्योरिटी और जो रिकॉग्निशन सब कुछ दिखाई दिया। तो मैं हिंदू को बोलूंगा अपने बारे में थोड़ा बताने। गुड आफ्टरनून फ्रेंड, मेरा नाम इंदु सिंह है। इस सिस्टम में लगभग 3 साल 1 महीना हो गया है। आज से 3 साल पहले आए थे, तो अगर बात किया जाए तो क्वालिफिकेशन ज्यादा है, मास्टर डिग्री कर लिए, आईएससी से तैयारी कर रहे थे। फैमिली बैकग्राउंड में पैसे का दिक्कत नहीं था, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं था। ऑलरेडी पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बनारस में इसमें पोस्टिंग हुआ है क्राइम ब्रांच में। घर में जितना भी लोग हैं, दादाजी, बड़े पापा, भाई लोग, सब कोई पुलिस डिपार्टमेंट में, हर कोई पैसा कमाता है। तो सेम मेरा भी सोच था, पापा शुरू से बोलते हैं बचपन से, बेटा तुमको ये बनना है, ये बनना है, तो हम भी वही करते थे। अचानक से किसी अनजान पर्सन ने स्मार्ट वर्ल्ड में मौका दिया, आप बिलीव नहीं मानेंगे, आए एडमिशन कराए, और नया नया जब एडमिशन होता है तो उतना लोग समझ में नहीं आता है। तो मेरा भी याद था कि कुछ स्मार्ट वर्ल्ड कहते हैं कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक से मेरा आईएएस तैयारी करते जॉब लग गया, तो एक्साइटमेंट में आके सीनियर को दिखाया थी कि वेंटिलेटर आया है सर, हमको जाना है। सर ने जब बैठा के दीपक भैया का पूरा वीडियो दिखाया है कि स्मार्ट वैल्यू करके क्या मिलता है, और तुम्हारे फैमिली में देखो सबको गवर्नमेंट जॉब करता है, अभी तक क्या है, आप बिलीव कराए दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आया। बस इतना समझ में आया कि अगर हम रखेंगे तो जरूर होगा, घर में बहुत दिक्कत आएगा। तुरंत गए ज्वाइन लेटर फाड़ दिए, घर में पापा पहली बार जिंदगी में हाथ उठाए थे, पापा मारे भी, बोले पागल हो गई हो, क्या कर रही हो। मैंने बोला 2 साल टाइम दीजिए, ज्यादा नहीं बोलते हैं, 2 साल टाइम दीजिए, अगर 2 साल नहीं कर पाए आप जो बोलेंगे सो करेंगे, पर 2 साल के लिए आपको मत बोलिए, आप बिलीव देंगे। पापा बोले ठीक है, जो कहना है करो, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, पर मेरे से बात मत करना 2 साल। पापा बिल्कुल बात नहीं किए, और पापा सबसे आराम को मानते हैं, पापा सबसे छोटे हैं, पापा बहुत मानते हैं, पर 2 साल पापा बिल्कुल बात नहीं किए। करना स्टार्ट किए, बस एक ही चीज था, नहीं करना है, नहीं करेंगे तो पूरा बेइज्जती हो जाएगा। करना दिन रात एक किए, काम करना स्टार्ट किए धीरे धीरे। पहला साल गोल्ड अचीवर बने थे, दूसरा साल रूबी, फिर काम किया, अभी इस साल का भी रूबी अचीवर निकालना है। बस एक चीज मानते दोस्तों, आए पहला सबसे बड़ा अचीवमेंट यहाँ पे क्या किए कि जब भी पढ़ते थे कॉलेज पढ़ जाते थे तो ऊपर से फ्लाइट आता था, तो देखते थे बोलते यार इसमें एरोप्लेन बैठना है, बहुत ही मजा आता है देखने में। पहली बार यहाँ से दिल्ली का ऑफर क्वालिफाई किए थे हम लोग, दिल्ली गए थे कैंपस की होटल में रहना खाना, और पहली बार फ्लाइट में बैठे थे। आप बिलीव नहीं पाएंगे, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ही ज्यादा मजा आया, अलग ही लेवल। 5 स्टार होटल क्या होता है, 7 स्टार होटल कभी नहीं देखे थे। फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, पर हम लोग के पास टाइम नहीं था कि पूरा फैमिली साथ में कभी दीपावली मना सके, क्योंकि पापा का ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है, वो पुलिस डिपार्टमेंट में, तो जब भी त्यौहार आता था पापा का ड्यूटी लग जाता था, हम लोग कभी घूमने के नहीं आते थे। पर सिस्टम की वजह से पहला बार दिल्ली गए, बहुत ही मजा आया, बहुत ही अलग एंजॉयमेंट लगा। फिर इसके बाद काम किए और अच्छा लगने लगा, सीनियर का सपोर्ट है, ये एक चीज समझ आता है अपने अंदर कोई क्वालिटी नहीं था, बस हाँ एक चीज था कि सीनियर जितना बोलते हैं उतना करते हैं, दिमाग कभी नहीं लगाए, करना स्टार्ट किए। फिर इसके बाद यहाँ से सबसे बड़ा जो अचीवमेंट किए, यहाँ से लोग इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई किए, थाईलैंड घूम के आए, बहुत ही मजा आया। और एक बात है दोस्तों, जब वहाँ पे एयरपोर्ट पे बैठे, जब वहाँ पे थाईलैंड पहुंचे, तो आप बिलीव करेंगे लोग क्या सोचा मुझे नहीं मालूम, पर इतना सोचे भगवान से थैंक यू भगवान, घर वाला अगल बगल सब कोई मना कर रहा था, अगर सबका बात सुने थे तो कभी जिंदगी में नहीं आते, पूरी जिंदगी जॉब करते करते बीत जाता, जैसे पापा भाई लोग उसी तरह मेरा बीत जाता। फिर धीरे धीरे अच्छा लग रहा, काम करना स्टार्ट किए, फिर यहीं से काम करके हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, दोनों यहाँ काम करके 27 लाख का जमीन भी पहुंचे किसी सिस्टम की बदौलत से, एकदम अलग ही मजा आया। फिर इसके बाद स्कूटी लिए, फिर इसके बाद शादी से पहले मैंने अपना 18 लाख का जमीन भी परचेज किया था, उसके बाद धीरे धीरे और अचीवमेंट बढ़ता गया। फिर इसके बाद अभी लोग श्रीलंका गए थे, पूरा दादा लोग साथ घूमना, फिर ना पूरा एंजॉयमेंट करना, बहुत ही अलग। ये बात है दोस्तों, पहले जब जब हम लोग थाईलैंड गए थे लोग बोला चलो एक बार तो हो गया, पर इस बार जब श्रीलंका गए तो बहुत सारे लोग बोला बाप तुम लोग फिर जा रही हो, हम कहेंगे सिस्टम ऐसा है कि हर बार हम लोग जाना ही जाना है, एक बार स्मार्ट वे में एडमिशन कराया पूरा जिंदगी बदल गया। अभी हम लोग का शिमला हुआ, फिर से ऑफर क्वालिफाई हुआ। एक चीज हुआ दोस्तों, आए थे 3 साल पहले तो सोचे थे क्या से 4500 का चेक को आ जाए, घर वालों को दिखा तो सके, और आप बिलीव नहीं आएंगे मेरा पहला चेक कभी 1500 का चेक नहीं आया, पहला मेरा 4500 का चेक आया, और घर में एक्साइटमेंट पापा को दे दिए, पापा बोले यही चेक आया इसीलिए परेशान हो, तुमको इससे ज्यादा प्रॉफिट में देते हैं, आप बिलीव में आएंगे, बहुत ही बुरा लगा, फिर सोचे नहीं यार करना है। और उसके बाद इसी सिस्टम में पापा को फिर ले गए,
स्टेज पे चढ़ाना, आप बिलीव कराएंगे। अभी मेरा कलकत्ता आने का टाइम था, 19 और 20 को मेरे भाई का शादी था, 20 को मेरा प्लेन था, हमको बिल्कुल याद नहीं था, जल्दी जल्दी एक्साइटमेंट में थे। मेरे पापा बोले जल्दो जल्दो जल्दी तुमको छोड़ो, तुम्हारा प्लेन छूट जाएगा। पापा मुझे वहां से सारा शादी ब्याह छोड़ के कलकत्ता छोड़ दिया है। आप बिलीव कराएंगे, जितना भी हम श्रीलंका जाते हैं या फिर थाईलैंड जाते, मेरे ज्यादा मेरे पापा सारे जगह अपडेट करते थे फोटो। देखो मेरा बेटी श्रीलंका गई, थाईलैंड गई। आज वही पापा बहुत ही प्राउड फील करते हैं, शायद नहीं आते तो कभी नहीं होता। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि हाँ आए, बहुत स्ट्रगल होता है, बिल्कुल कुछ नहीं, बहुत ही मजा आता है। अभी करंट में गोरखपुर से काम कर रहे हैं, अभी यहाँ पे आए हैं, 8-9 लड़के लड़कियों को लेके आए। नेक्स्ट टाइम आएंगे 100% कम से कम 40 लोग को लेके आएंगे जब अप्रैल में एलडीसी प्रोग्राम होगा। बस एक ही चीज मान लो दोस्तों, स्मार्ट वर्ल्ड में बहुत अलग ही मजा, अलग ही एंजॉयमेंट, अलग ही चीज आता है। बहुत बहुत लोग मना किया, मेरे सारे फ्रेंड लोग पागल हो गई क्या कर रही हो। आज वही लोग फोन करता है यार तुम तो बहुत लकी, तुम्हारी जिंदगी बदल गया। बस एक ही बात है, लोग बोलता रहता है, किसी को बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। आज स्मार्ट वर्ल्ड ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि अलग ही मजा, अलग ही एंजॉयमेंट है। बस यही बात है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। हमको एक चीज अच्छा लगता है, ये लोग हस्बैंड वाइफ मिलके काम करते हैं। देव भी बैठे हुए हैं, सही ना, क्योंकि फैमिली बिजनेस है कि नहीं है। और फैमिली बिजनेस में बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, फैमिली बिजनेस मतलब क्या है, एक काम करेगा एक साथ।